दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि हिमाचल में बहुत बड़ा खेला हो गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता हड़पने के लिए बेताब बीजेपी, उसके 15 विधायक शायद कांग्रेस में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की तरफ से 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुमत पार कर लिया है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने बजट पेश करते हुए बहुमत का आंकड़ा पेश कर दिया। ये तमाम जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला जा रहा था, उस खेल में बीजेपी बुरी तरीके से मात खाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एबीपी न्यूज के हवाले से खबर निकलकर अब सामने आ रही है कि भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है विधानसभा के अंदर से। 15 विधायक, जी हाँ, हिमाचल में खेल पलटा। बीजेपी के 15 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लेकर आई थी, कांग्रेस के एक विधायक भाजपा के हो गए और वो ये बात खुद एक्सेप्ट कर रहे थे, अब एक के बदले 15 विधायकों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में हिमाचल के अंदर थी, वो विपक्ष भी यहां से खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल में इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है। क्योंकि आपको ये भी बता दें दोस्तों कि यहां पर, जी हाँ, आपको यहां पर किस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार का जो है विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार में बजट पास कराकर विश्वास मत जो है वो हासिल कर लिया गया, जिसके बाद विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं अब सुक्खू सरकार को तीन महीने तक कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के जो विधायक बागी हुए हैं, उनके खिलाफ भी पार्टी की शिकायत पर विधानसभा में सुनवाई जारी चल रही है। दल बदल अधिनियम को लेकर कांग्रेस विधायकों को अयोग्यता के मामले पर सुनवाई की जा रही है। विधानसभा समिति कक्ष में ये तमाम कार्रवाई चल रही है। स्पीकर के चैम्बर में सत्ता पक्ष और पक्ष विपक्ष के वकील मौजूद है। बीजेपी की ओर से सत्यपाल जैन बागी विधायकों की पैरवी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो वकील है वो बीजेपी की तरफ से जो चीजें हो रही है, जो विधायक बागी हो रहे हैं, उनको लेकर जो है कामकाज शुरू कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में मची सियासी गहमा गहमी के बीच सरकार ने विधानसभा में ये बजट पास करा लिया है। सदन में विपक्षी दल बीजेपी के सभी विधायक गैर हाजिरी रहे हैं। दरअसल बीजेपी के 15 विधायकों को आज सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद सदन से बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था। वहीं बजट पास करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए ये अच्छी खबर साबित नहीं हुई, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हाथ में जो है सत्ता चली गई है, क्योंकि खुद बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाते हुए नजर आई है, लेकिन एंड टाइम पर आखिरी वक्त में कांग्रेस की सरकार यहां पर विजय घोषित हुई है, क्योंकि उन्होंने बजट पास करवा लिया है और तमाम तरीके से जो है बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी एक विधायक के वजह से, बीजेपी ने एक विधायक कांग्रेस के लिए थे और जो खुद कांग्रेस के विधायक ये बात एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ वो बीजेपी में चले गए हैं, लेकिन 15 विधायकों पर बीजेपी के गाज गिर गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।